जय हिंद दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS PO ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 6332 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की या फिर कह लीजिए कि नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि आपके टोटल 6332 पद है और इस पर आप लोग 22 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। कौन से बैंक में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर इस टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं। देन आप यहां पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे ए डिग्री यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है जो कि आपकी 22 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है। एंड इसके अलावा बात करें एज लिमिट की, तो एज आपकी 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड देन अब आपको नीचे आना है और यहां पर आपको अगर इसमें जानकारी जानने के बाद लगा कि आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन की वेबसाइट आ चुकी है। अब आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में सबसे पहले आपको यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आप लास्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे, इस मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन अल्टरनेटिव नंबर, अगर आप ऊपर दिए गए नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हैं, चाहे मोबाइल नंबर चाहे लैंडलाइन नंबर, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी का जो एड्रेस है वो यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि किस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। जैसे कि मेरी gmail.com पर है तो gmail.com में सिलेक्ट करता हूं। अब यहां पर आपने की जो भी ईमेल आईडी है, पूरी की पूरी ईमेल आईडी आपको यहां पर वेरीफाई कर देनी है एंटर करके, यानी कि कोई डोमेन नेम आपको इस बार सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये आप सिक्योरिटी कोड भरेंगे और जो भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है इनको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। देन आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यू कैन सी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी यहां पर देखने को मिल पा रही है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। उसके पहले जान लीजिए कि फोटो का पिक्सल क्या रहना चाहिए। तो फोटो का जो साइज है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड जो आपका साइज है वो बेसिकली 200 पिक्सल 200 होना चाहिए, यानी कि अगर डायमेंशन आपका 200 इंटू 230 पिक्सल रहेगा तो आपका फोटो आ जाएगा। एंड आपका साइज फोटो का 20 से 50 केबी के बीच में हो। तो आपको यहां पर क्या करना है, दिए गए साइज के अंदर आपने जो फोटो तैयार किया है वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। मैं फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो यहां पर मैं एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करता हूं। तो चलिए इस फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। जो भी फाइल आप सिलेक्ट करते हैं वो अगर दिए गए साइज के अंदर होगी तो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको यहीं पर एरर देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पर आई कन्फर्म डेट दिस इज माई वैलिड फोटो यहां पर क्लिक करना है। देन आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का जो साइज है वो आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो यहां पर आ जाएगा। फिर आप यहां पर नीचे टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आती है जो कि है सेक्शन 3 की बेसिक डिटेल। तो कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। बट अगर आपने नो किया है, आप विकलांग नहीं है, तो आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको आंसर करना है इस वाले सवाल का जो कि आपसे पूछा कि क्या आप उस फैमिली के मेंबर है जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हां यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा कि क्या आप आपका रिलीजन क्या है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि जो आपकी कम्युनिटी है क्या वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है। ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। अब आपसे ये पूछा कि क्या आप सर्विंग गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स
रूल्स इसके अंदर सर्व कर रहे हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपसे पूछे कि क्या आपने पहले भी CWE CRP PUMT के लिए पार्टिसिपेट या फिर अपियर्ड हुए हो? अगर हाँ तो आप यस कीजिए। यस करने के बाद आपको बताना है कि आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं, और आपको यहाँ पर यह भी सिलेक्ट करना हो कि आपको वो अटैम्प्ट सिलेक्ट करना है जो कि आपने इसके पहले दिया था। जैसे कि मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पर सिंपली नो कर देता हूँ। अब आती है नेशनलिटी सिटीजनशिप, जहाँ पर आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडिया से है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट UT NCR सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो यूपी में सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद स्टेट कोड आएगा और यहाँ पर प्रीलिम एग्जाम के लिए जो सिटी अवेलेबल है यूपी के अंदर, जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करें वो यहाँ पर आएंगी। तो उसमें से आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद मेन एग्जाम आप कहाँ पर देना चाहते हैं वो सिटी भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछा कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, और आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आप लेकर के जाना चाहते हैं जिस दिन आपका एग्जाम होगा। जो भी आईडी आपने ऊपर भरी है उसका नंबर डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अब पर्सनल डिटेल के अंदर आपको आपकी DOB सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में जो आपका मंथ है वो, एंड देन यहाँ पर आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जेंडर क्या है, आप अपना जेंडर सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर पैन कार्ड नंबर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको जुड़वा भाई बहन का जेंडर बताना है और उसका जो आपका नाम है वो भी आपको देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आप यहां पर जो आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे, देन यहां पर आप अपनी माताजी का नाम एंटर करेंगे, और फिर यहां पर आप एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस फिल करेंगे। आपको पूरा एड्रेस इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, क्योंकि मैक्सिमम 35 कैरेक्टर ही आप एक सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर एंटर कर देंगे, और फिर यहां से अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और जो आपका पिन कोड है वो यहां पर आप खुद से भर देंगे। ये भरने के बाद यहां पर आप इसके ऊपर टिक करें। टिक आपको तभी करना है अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिए, और अगर सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप कौन से एड्रेस पर GST जो एप्लीकेशन फीस की इनवॉइसिंग है वो सेंड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो क्वालिफिकेशन की जानकारी में आप एक भी पॉइंट ये जान लीजिए, अगर आपकी परसेंटेज है 59.99 तो आप इसको 60 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी परसेंटेज है 54.99 तो आप इसको यहां पर 55 लिख सकते हैं, क्योंकि राउंड फिगर ही आपको लिखना है। तो आपकी डिग्री कौन सी है, अगर आपकी इनमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से यहां पर अपनी डिग्री का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, अगर आपका स्ट्रीम इसमें है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। इसके बाद यहां पर दोस्तों आती है डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास की थी, वो डेट, मंथ और ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और क्लास ग्रेड भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने PG डिग्री किया तो सेम तरीके से यहाँ पर PG की क्वालिफिकेशन की जानकारी दे दीजिए, जैसे कि आपने अभी ग्रेजुएट की दी है। देन यहाँ पर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई अदर क्वालिफिकेशन है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कंपलसरी रूप में सिर्फ ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। अब आपसे पूछा कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स, अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको ये बताना है कि इसमें आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, या फिर डिग्री है, या फिर आपने हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है। अगर हाँ तो आप यहां पर ये टिक कर दीजिए, और फिर आप बता दीजिए कि आपने कंप्यूटर एज सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर IT एज सब्जेक्ट। तो मैं कंप्यूटर एज सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस, जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप भर दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ना है। अगर आप भर रहे हो, आपके पास है, तो कैसे भरेंगे वो आप जान लीजिए। आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस बंदे या उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, और फॉर्म के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहां पर आपको डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहां पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी, और किस तरह की ड्यूटीज थी आपकी वो आप यहां पर लिख देंगे शॉर्ट में, और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन जो भी आप देना चाहते हैं शॉर्ट में वो आप यहां पर दे देंगे। फिर आती है अदर डिटेल, जहां पर दोस्तों आपसे पूछा कि फॉर द सेफली एंड वेल बींग कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नोट
बी हेल्ड इन केस इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग आर यू डिजायरस, यानी कि अभी के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं है बट अगर ये होती है तो क्या आप चाहते कि ये आप लेना चाहेंगे जो कि एससी एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर यस कीजिए। यस करने के बाद आपको बताना कि आप कौन से सेंटर पर आपकी ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, किसी केस में आप दोषी ठहराए गए थे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज नोन में आपको बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। देन यहाँ पर आप सेकंड लैंग्वेज जो भी आपको आती है वो लिखेंगे और उसका स्टेटस भी बता देंगे कि मुझे पढ़नी आती है, बोलनी आती है और लिखनी आती है। ये करने के बाद आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके जानकारी वैलिडेट कर ले कि हाँ मैंने सभी जानकारी या फील्ड भर दी है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर आती है बैंक प्रेफरेंसेस, तो आप कौन से बैंक को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि पहली प्रेफरेंस में बैंक ऑफ इंडिया को, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को, इसके बाद में इंडियन बैंक को, फिर पंजाब नेशनल बैंक को, पंजाब एंड सिंध बैंक को, यूसीओ बैंक को, यानी कि इस तरह से मैं इनको इन नंबर वाइज प्रेफरेंस दे रहा हूं। अब आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपके सामने जो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ जाएगा। आपने सभी जानकारी वेरीफाई करनी है और वेरीफाई करते हुए नीचे आना है और यहां पर अब आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब ये दो आई एग्री के ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है थोड़ा समझ लीजिए। आपको बोला कि आई कन्फर्म डेट माई नेम इज फील्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई आईडी प्रूफ, यानी कि जो नाम आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अभी भरा है वो नाम और जो आपने आईडी यहां पर सिलेक्ट की है, पैन कार्ड जो भी आपने आईडी सिलेक्ट किया है उसके अंदर आपका नाम सेम है तो आप यहां पर टिक करेंगे सेकंड वाले पर, थर्ड वाले पर नहीं करेंगे। बट अगर आपका नाम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरा है और जो आप डॉक्यूमेंट आईडी सिलेक्ट किए हो उसके अंदर अलग अलग है, यानी कि यहां पर नाम कुछ और है और आईडी में कुछ और है, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर सेम है दोनों आईडी में तो आप यहां पर इसको सेकंड वाले को टिक कीजिए और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, जिसका बाएं अंगूठा ना हो वो दाएं अंगूठे का निशान लगा सकता है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको फाइल यहां पर सेलेक्ट करनी है। इसको सेलेक्ट करें, यहां से ओपन करें तो आपकी फाइल यहां पर इस तरह से आ जाएगी। अब आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करना है, इसमें आपको क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसी में आप यहां पर जैसे इसको ओपन करते हो तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन है ये आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिख देनी है, यहां पर आपको आपका नाम लिखना है और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर भी कर देना है ताकि ऑथेंटिक लगे, और फिर आपको उसको स्कैन करके 100 KB से कम साइज के अंदर ही यहां पर अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड हो जाए फिर आप यहां पर एक कैप्चा कोड यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके सामने फीस का अमाउंट है, आपको वेरीफाई करना है, सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहां पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके सामने सभी विकल्प यहां पर दिए गए हैं, जिस भी ऑप्शन के माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं यहां से कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग IBPS PO12 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।